एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में एक स्टैंड रखेंगे। हमें इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है लो फ्लेम पे। यहाँ पे एक बोल लेंगे, बोल में एक कप वेनिला प्रेमिक्स, इसको हमें वाटर डालेंगे इसमें हम, और वाटर आप अपने हिसाब से डालिएगा। और हमें इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करना है, इसमें कोई भी लम्स ना हो, और हमारा बैटर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। रिफाइंड ऑयल हमेशा लास्ट में ऐड करिएगा। यहाँ पे मैंने 6 इंच का केक ही लिया है, रिफाइंड ऑयल को अच्छे से लगा लिया है, और अपने बैटर को इसमें डालेंगे, टैप करेंगे। हमारी जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो चुकी है, और हम इसको केक टिन को रखेंगे इसके अंदर। और अभी हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। जिसके पास माइक्रोवेव है वो माइक्रोवेव में भी अपने केक को बेक कर सकता है। चेक करते हैं, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो ये केक है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छा बना है। इसको ठंडा करेंगे और इसको बाद निकालेंगे हम केक टिन से। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, केक हमेशा ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा। बहुत ही आसान तरीके से केक निकल आता है। और ये देखिए हमारा जो ये केक है बहुत ही अच्छा बना है, और बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। केक को पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद उसकी आइसिंग करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कप हैवी क्रीम ली है, क्रीम मिल्क की क्रीम यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। और ये हमारी जो क्रीम है वो भी रेडी है, अब हम इसकी आइसिंग करते हैं। उसके लिए हमने अपने ब्रेड को 3 लेयर में कट करेंगे, आप लोग 2 लेयर में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड नाइफ की हेल्प से अपने केक को 3 लेयर में काट लेंगे। और अभी हम अपनी 1 लेयर लेंगे, और इसमें हम शुगर क्रश बटर स्कॉच क्रश यूज़ करेंगे, और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप कोई भी फ्लेवर का क्रश यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल क्रश, या तो आप इसको प्लेन वाटर से या शुगर सिरप से भी अपनी ब्रेड को सोक कर सकते हैं। मैंने क्रश इसलिए यूज़ किया है इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आए। और यहाँ पर मैंने अपनी 1 लेयर को अच्छे से लगा लिया है। ऐसे ही हम अपनी सारी लेयर को लगा लेंगे अच्छे से। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है और इसमें ब्लू कलर मिक्स करेंगे। अब हम केक में फाइनल कोटिंग करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे क्रम कोटिंग की थी। क्रम कोटिंग का मतलब होता है कि केक की एक पतली क्रीम की एक पतली लेयर लगाना। अब हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे केक की, ब्लू कलर इसमें लेंगे और अपने केक को अच्छे से कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्कैपर लेंगे, और स्कैपर से हम अपने केक को क्लीन करेंगे और बराबर कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास स्कैपर नहीं है तो आप कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं और इससे अपने केक को क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा केक जो क्लीन हो गया है साइड से, ऐसे ही हम ऊपर भी कर लेंगे और अपने केक को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे अच्छे से। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ली है और उसमें हम येलो कलर मिक्स करेंगे, और अभी हम यहाँ पे इस पर डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम करवा चौथ स्पेशल केक बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने चांद की पिक्चर ड्रॉ करी है।
और यहाँ पे मैंने स्टार नोजल दिया है और येलो कलर से अपनी डिज़ाइन को हम बनाएंगे।